1929 में आज ही के दिन मशहूर अभिनेता सईद जाफरी का जन्म पंजाब में हुआ था। थिएटर में अभिनय करियर की शुरुआत करने वाले जाफरी ने शतरंज के खिलाड़ी, मासूम, गांधी, चश्मे बद्दूर, राम तेरी गंगा मैली, हिना, दिल, दीवाना मस्ताना जैसी फिल्मों में काम किया। उन्होंने द मैन हू वुड बी किंग, अ पैसेज टू इंडिया, द फोर पवेलियंस जैसी हॉलीवुड फिल्मों में अभिनय कर दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। सईद जाफरी ने महात्मा गांधी के जीवन पर बनी रिचर्ड एडिनबरा की ऑस्कर विजेता फिल्म गांधी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका निभाई। उन्होंने कला फिल्मों के साथ साथ व्यावसायिक सिनेमा में भी भरपूर नाम कमाया। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। 1942 में आज ही के दिन विश्व प्रसिद्ध ब्रितानी भौतिक विज्ञानी और लेखक स्टीफन विलियम हॉकिंग का जन्म इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। स्टीफन विलियम हॉकिंग को लुकासियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। स्टीफन विलियम हॉकिंग के 90% विकलांग होने के बावजूद उनकी क्षमता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। चिकित्सकों को जब उनकी बीमारी का पता चला तो उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि अब स्टीफन हॉकिंग ज़्यादा दिनों तक नहीं जिंदा रह सकेंगे, लेकिन वे पिछले कई दशकों से अपनी व्हीलचेयर पर बैठे बैठे अंतरिक्ष विज्ञान की जटिल पहेलियों और रहस्यों को सुलझा रहे हैं। स्टीफन की चर्चित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम आज भी दुनिया की सबसे अमूल्य पुस्तकों में से एक है। हॉकिंग के योगदानों के कारण उन्हें अब तक लगभग 12 सम्मानित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। 1989 में आज ही के दिन वियतनामी विद्रोहियों के हाथों मात खाने के बाद खमेर रूस की सैकड़ों टुकड़ियां कंबोडिया से भाग खड़ी हुई थी। विद्रोहियों ने राजधानी नामपेन पर कब्जा कर लिया और इसी के साथ खमेर रूस के नेता पोल पॉट के शासन का अंत हुआ। पोल ने 4 साल पहले खुद ही नामपेन पर कब्जा किया था और विरोध के लिए उठने वाली हर आवाज को बुरी तरह से कुचल दिया था। इस जंग में जब खमेर रूस को लगा कि वो बेहतर हथियारों से लैस विद्रोहियों का सामना नहीं कर सकेंगे तो उन्होंने वहां से हटने में ही अपनी भलाई समझी। खमेर रूस के कब्जे के दौरान कंबोडिया में करीब 17 लाख लोगों की मौत हुई थी। 2010 में आज ही के दिन दुबई के रोज रेहान होटल को दुनिया के सबसे ऊंचे होटल के तहत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। रोटाना कंपनी का रोज रेहान नाम का यह होटल 72 मंजिला, 333 मीटर ऊंचा और 482 कमरों वाला है। यह होटल 3 साल में बनकर तैयार हुआ। इस होटल में 2 रेस्टोरेंट और 24 कॉफी शॉप हैं। रोज रेहान के निर्माण में $180 मिलियन का खर्च आया था।